मैं हूं केवी जानी, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, स्पेशली एग्जीबिशन सोसाइटी का जिन्होंने मुझे याद किया, थैंक यू फॉर मच। और मुखेर भाई और हमारे सभी दोस्त जो चाहते हैं एक मरतबा जोरदार ताली हो जाए। पीछे क्या पैरां दर्द हो रहे हैं क्या? अभी एग्जीबिशन का माहौल है, बहुत अच्छा एटमॉस्फियर है और बहुत कम इत्तेफाक हो रहा है। मैं अपने बचपने की बात कर रहा हूं, अक्सर अनाउंसर जो है अनाउंस करता था एक काला पत्थर के रहने वाले बब्बू, बब्बू काफी देर से रो रहे हैं, इनके वालदेन इनके मम्मी पापा जहां कहीं भी हो बराए मेहरबानी रेडियो स्टेशन आए और पप्पू को ले जाएं। कोई आते ही नहीं थे। अब काफी देर के बाद एग्जीबिशन जिस वक्त खत्म होती थी इनके अम्मा बाबा आते थे, अरे बेटिया जबरदस्ती छोड़ देते लोग, बच्चे दम करते। बल्कि मैं आइडिया बता रहा हूं, मैं आप भी कर सकते हैं ये फार्मूला। अब बाद में इन लोग जो इमोशनल होते हैं वो बड़ा जबरदस्त दिलचस्प, क्योंकि रेडियो स्टेशन में देखिए जगह कुछ भी नहीं रहती, बच्चा रोते रहता उसका भी फायदा है क्योंकि चॉकलेट बिस्किट कुछ तो भी देते। नहीं आए पापा? नहीं बेटे अब भी आते हैं। फिर से हमारे काला पत्थर के रहने वाले बब्बू, उनके वालदेन जहां कहीं भी हो प्लीज आप रेडियो स्टेशन आ जाएं। अभी लोग पूरा थक थका के थैलियां वालियां ले लेंगे, कहा है बेटे? पूरी शॉपिंग के बाद आवाज हो तो वरल। अभी देखिए टेंशन किस तरीके से क्रिएट होता है, मुलादा कीजिए टेंशन। आदमी अच्छा खासा है, थोड़ी कुछ नई चीजें मैं बता रहा हूं आपको, इंशाल्लाह पसंद आएगी। टेंशन किस तरीके से क्रिएट होता है, सबसे पहले बाइक पे एक आदमी जा रहा है, रास्ते में एक लड़की लिफ्ट मांगी, पहला टेंशन। उसको बिठा लिया, दूसरा टेंशन, रास्ते में लड़की बोली मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तीसरा टेंशन, ये हॉस्पिटल लेके चला गया, चौथा टेंशन, नर्स आके बोली मुबारक आप एक के बाप बन गए। इन्होंने बोला नहीं 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 मेरा नहीं है, लड़की बोली नहीं नहीं इसका बाप यही है। पांचवा टेंशन, पुलिस आई इसका डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए टेस्ट में निकला ये कभी जिंदगी में बाप नहीं बन सकता। सातवां टेंशन, ये अपने घर पहुंचे अपने तीन बच्चों को देख के बोले तो बजाइए जोरदार ताली। अभी ऑफिस में अक्सर लोग धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो एक बंदा था बात को आया, क्या साहब हमारा अम्मा मर गए छुट्टी, फिर थोड़ा साहब हमारे बाबा गुजर गए फिर छुट्टी, फिर तो साहब हमारे अम्मा मर गए फिर छुट्टी, फिर तो साहब हमारे बाबा गुजर गए, चार पांच वक्त ऐसी करा। बास को गुस्सा आया, शका इधर क्या है, कभी अम्मा मर गए बोलते कभी बाबा मर गए, आखिर कितने तो भी अम्मा बाबा है। हाँ बोला तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड बताओ, साहब हमारे फैमिली के बारे में नक्को पूछो, जरा बताओ जी, अरे नक्को पूछो साहब, नहीं तुम्हारी फैमिली के बारे में बताओ, ऐसा है साहब अम्मा मर गए तो बाबा शादी करते, फिर बाबा मर गए तो अम्मा शादी करते, फिर अम्मा मर गए तो बाबा, इनका खानदानी खत्म नहीं हो रहा। और अक्सर आपने देखा होगा कि तबलिस जो होता है, गजल सिंगर जो होते हैं बहुत ही बहुत ज्यादा संबंध होता है, तो एक नई चीज बता रहा हूं, एक गांव की लेडी, एक गांव की लेडी सिटी आई जॉब करने के लिए, इनको नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया, ये अपने हस्बैंड को एसएमएस की, आजकल टेक्निकल मैं बात बता रहा हूं, देखिए एसएमएस की अपनी पत्नी अपने हस्बैंड को, ये गलती से एक नंबर गलत चला गया और ये एसएमएस चला गया, एक आदमी अपनी पत्नी को अंतिम संस्कार करके लौट रहा था, गलती से उसके पास पहुंच गया। एसएमएस क्या था, मैं यहां पर आराम से पहुंच गई, हर किस्म की सहूलत है, टेलीफोन भी है, आप बेफिक्र रहो, चार पांच दिन में मैं भी आपको बुला लेने वाली हूं। और कभी कभी देखिए आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, एक चीज मैं नहीं बताऊंगा, देखिए आपने देखा होगा कि अक्सर फेसबुक पे दोस्ती हो जाती है, एक लड़की और लड़के में दोस्ती हो गई, फोन आपस में ट्रांजेक्शन, हेलो कम्युनिकेशन, हेलो
कहाँ है आप? लड़की, कहाँ है आप? मैं दाढ़ी बना रहा हूँ, शेविंग बना रहा हूँ। डार्लिंग आप कितनी मरतबा शेविंग बनाते? मैं, नहीं नहीं, आप कितनी मरतबा शेविंग बनाते दिन में? मैं 30-40 वक्त बनाता हूँ। डार्लिंग आप पागल है? नहीं नहीं, मैं पागल नहीं, हजाम हूँ। गलतफहमी ऐसी हो जाती है। अब देखिए, एक लड़के को इसकी वालदा मारे, अम्मा जी मारे, खूब दबा के मार दिए, बच्चा आके बाबा से लड़ा, बाबा आप पाकिस्तान गए थे? नहीं। अफगानिस्तान? नहीं। फिर ये आतंकवादी को कहां से उठा के लाए थे? खतरनाक मार रही ना इन्हें। अभी हैदराबाद है, हैदराबाद शहर बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की जो लैंग्वेज है, हमारे पास हांग बोलते हो, नहीं को नक्को, कहां जा रहा, निकल गया क्या? जिप बोल के मारा तो गब्बल के लगना, चिंदिया कर देता हूँ, मुंह फोड़ डालता हूँ। ये ऐसे वर्ड है, सारी दुनिया में मशहूर है। हुआ यूं कि एक जगह इंटरव्यू चल रहा था, जहां पे ऑप्शन रखा गया, जो भी एक वर्ड में आंसर देगा वो सेलेक्ट होगा। वहां पे 3 कैंडिडेट चले गए, दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद। सबसे पहले दिल्ली वाले कैंडिडेट की बारी थी, वो गया डोर ओपन करके बोला मैं आई कम इन, ये रिजेक्ट हो गया, मैं आई कम इन, 3-4 वर्ड रिजेक्ट। उसके बाद लखनऊ वाले कैंडिडेट की बारी थी, वो गया डोर ओपन करके बोला क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये भी रिजेक्ट होगा, क्या मैं अंदर आ सकता, रिजेक्ट। उसके बाद हैदराबादी कैंडिडेट तमाशा देख रहा था, बोला क्या हो, क्या कहेगा तो भी कुपा यार, यहाँ पे नौकरी दी जा रही है, ऑप्शन रखा गया, जो भी एक वर्ड में आंसर देगा वो सेलेक्ट होगा। ऐसा ठीक है, हैदराबादी थे, बहुत ही बिंदास अंदाज में डोर ओपन करके बोले घुसू, एक दरखास्त में सब बर्खास्त करते हैं। आप देखिए, ओल्ड सिटी की बात कर रहा हूं मैं, उस जमाने की बात है, एक ही लड़के को इंग्लिश आती थी, किसी को नहीं आती थी। अब वहां पे इंग्लिश की टीचर आके परेशान हो गई, फर्स्ट डे था, पहला दिन। अब ये पहले दिन आके पूछे कि 5 वाटर एलिमेंट्स का नाम बताइए। अब वहां ओल्ड सिटी में क्या तू भी बोरी रे, क्या बोरी रे। अब जिसको इंग्लिश आती थी उन्हें बोला यार ये पूछ रही है 5 पानी के जानवरों के नाम बताओ। बोले टीचर हम बताना, टेल मी, फिर क्या बोरी यार, बोलो बोरी, टीचर फिश, वेरी गुड वेरी गुड, अदर 4 फिर क्या बोरी यार, और 4 के नाम बोलो बोरी। टीचर फिश तो बोल दिया, फिश की अम्मा, फिश का बाबा, फिश की बहन, फिश का भाई। ऐसी अंग्रेजी चल रही है हमारे पास ओल्ड सिटी में। ओल्ड सिटी में सबसे खतरनाक है ऑटो वाले, खतरनाक रहता ये बेचारा। ऑटो के पीछे जबरदस्त शायरी रहती, शायरी की शायरी, धंधे का धंधा। वो किस तरीके से शायरी है मुलादा कीजिए। अब ऑटो के पीछे जबरदस्त शायरी रहती, बला का हुस्न गजब की ब्यूटी है, बला का हुस्न गजब की ब्यूटी है, हसीनों में मरमटना जहांगीर भाई की ड्यूटी है। मच्छर ने मुझे काटा ये उसका जुनून था, जहां काटा वहां साला लिया, बड़ा ही सुकून था। भला उस मच्छर को मरता और मैं सरता कैसे, उसकी रगों में जो दौड़ता है मेरा ही खून ताकत है। अब एक शेर पढ़ के मैं काफी देर तक कंफ्यूज था, उस पे लिखा हुआ था कि क्या हसीन नजारा था झील का किनारा था, क्या हसीन नजारा था झील का किनारा था, जुल्फों का सहारा था, हरीफ जाके देखा तो सरदार जी नहारा था कहते। अभी शायर लोग जो होते हैं, कवि लोग, बहुत अच्छे दिलचस्प कैरेक्टर होता है। अभी हैदराबाद में शायरी बहुत ज्यादा चलती है, रात के 2 बजे एक शायर साहब, कवि साहब, कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, मुशायरे से लौट रहे थे, पुलिस वाले स्पेशल चेकिंग में पकड़ लिए। एए, का है? जी मैं शायर हूं, जी शायर। काय का शायर, बिठाओ गाड़ी में, बिठाओ गाड़ी में, गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस वाले किसको भी नहीं छोड़ते, लेके आगे लॉकअप में डाल दिए। ये अपने आप को बता रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा शायर हूं, किस तरीके से देखिए। अर्ज किया है दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। पुलिस वाला होशियार था, उन्हें लट घुमा के बोला इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों। ये शायर साहब कुत्तों से डरते थे, रात के 3 बजे इनको छोड़ दिए। जैसे ही बाहर निकले सामने कुत्ते आ गए, वो कुत्तों को देख के वो शुरू हो गए, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई, आहा
कुत्ता शुरू हो गया, आ जा मैं हूं प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा हो, ओ आजा ओ आजा। अब ये पूरा कुर्ता पजामा का सतरोल वही कंडीशन में अपने घर पहुंचे, अब ये डोर को नॉक करे, इनकी धर्म पत्नी इनकी बीवी मोहतरमा डोर ओपन के वो शुरू हो गए, डोर ओपन करके, ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ कब हुआ। चार साहब चलते चलते मिल गया था यूं ही कोई मिल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।